40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठे लगाओ, बोलना इस विषय पर शुरू किए कि ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है, वो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या उसको निकाल कर फिर आप साथ कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीर्यपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। ये जो गंदी बात है, अरे भैया ब्याह करना, स्त्री में जाना, लड़की से पैदा करना, संयम से रहना, ये कोई जानवरों वाली बातें हैं, ये कोई सुख की बातें हैं। पर आज का हमारा नया समाज बहुत बहुत, बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। आप लाख कसम खाओगे इससे हट नहीं पाओगे, और ये मतलब पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, पूरे शरीर। क्या है कि जैसे स्त्री पुरुष के संयोग का है ना, जैसे आप 15-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर ब्याह हुआ, उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है, और धर्म से चलोगे तो तुम्हें अरुचि भी हो जाएगी। अच्छा दो हैं, एक की अरुचि है, एक की रुचि, एक ने समझा के एक को ठीक कर लिया, अब इसमें आप ही हैं, और आपको सुख प्राप्ति की इच्छा हो गई, तो अब बोलो 4 बार, अरे महीने 15 दिन में कभी एक बार गृहस्थी में कि चलो भाई ऐसा अपना स्वस्थ रहो, मेहनत करो, लड़का बच्चा हुए भगवान की पूजा बन गई, ये क्या राख मतलब जीवन को एकदम नष्ट कर देना बहुत, कैसे बताएं। अब बच्चे भी नहीं हो तो मतलब तुम्हें समझाया जा सके कुछ समस्या, अगर कुछ छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस है, क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना, सोते अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगे, अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा अभ्यास। जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो, आप इसे सुधार सकते हो।